हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है थर्ड कंजक्टिव डे कि हम जा रहे हैं फिर से घर से बाहर घूमने। तो अभी पहले हमें जाना है IGMC तक, मुझे कोई मेडिसिन लेनी है, वैक्सीनेशन लगवानी है मुझे, तो उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। और साथ ही में आज व्यू को छोड़ना है कुफरी, तो जीजू पोस्टेड है कुफरी में, तो उसको कुफरी छोड़ना है। हेलो, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं हूँ राज ठाकुर। आप सभी को हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने घर जा रहा हूँ तीसरे दिन। तो व्यू को छोड़ के और फिर देखते हैं कुफरी में और क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं आगे वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये है व्यू का इतना सारा सामान जो बुआ लेके जा रहे हैं, और कुछ मेरे पास भी है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ IGMC, तो अभी लेते हैं वैक्सीन। और अब ये सील रोड है, मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। HPV वैक्सीन। हाँ जी, थैंक यू भैया। तो इस वैक्सीन के साथ मुझे मिला है साथ में आइस पैक, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रहनी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है। तो अभी हम मिलते हैं, जल्दी से चलते हैं कुफरी, और आपको मिलते हैं अभी कुफरी में डायरेक्टली। कितना क्लीन वाटर है, पी लो। तो अभी हम पहुंच गए हैं PHC कुफरी, तो चलिए अब हॉस्पिटल में अंदर चलते हैं। व्यू तो ऑलरेडी आगे भाग चुका है। ये मासी की वैक्सीन की दवाई है, इनको वैक्सीन लगाई थी, बहुत दर्द हो रही थी, अब आइस पैक लगा दिया इनको, थोड़ी ठीक हो गई। ये ऑपरेशन थिएटर, ये मेन वार्ड, ये नर्स रूम। मुझे तो दिख रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। ये नर्स रूम है, पर अब ये नर्स रूम नहीं रहा था, किचन बन गया था, और यहाँ का वो हीटर पॉइंट टूट जल गया था। डॉक्टर रूम ये है, एक किचन यहाँ रखते हैं, यहाँ देखो, यहाँ मैं खोल नहीं पाता इसको, कोई जरूरत नहीं। कोई नहीं, भी अंदर आ जाओ, बाहर आपका रूम कौन सा है? ये मीटिंग है, लिया अब शायद मीटिंग नहीं होती यहाँ, अब डाइनिंग रूम शायद, मुझे तो पता नहीं है। आप दिन को कहाँ सोते हो? जो मन करता है, जब नींद आती है। देखो स्टाफ टॉयलेट। और यहाँ से दिखता कैसा व्यू आता है, यहाँ से व्यू तो है व्यू। तो अभी मैंने जो वैक्सीनेशन लगाई है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो मैंने जो अभी वैक्सीनेशन लगाई, दैट इज HPV, तो ये है उसकी वैक्सीन। सो दिस इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये लगती है ओनली फीमेल्स को, तो रिकमेंडेड होता है 9 to 15 ईयर्स में फीमेल को ये लग जाए, यंग फीमेल्स को, तो तब तक उन्हें लगाने होते हैं 2 डोजेस। और अगर 15 to 45 के बीच कोई फीमेल इसको लगाती है, तो उनको लगते हैं 3 डोजेस। तो मेरा आज सेकेंड डोज था, सो इट इज़ वेरी पेनफुल, अभी तक मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। सो दिस इज़ फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो 80 to 90% जो चांसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, वो होते हैं इसी वायरस की वजह से। तो अगर आप इसको लगा देते हो टाइमली, तो आपको इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सर्वाइकल कैंसर के। और ये मेरे को रिकमेंड किया था मेरी सिस्टर ने, हु इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। और रिकमेंडेड ये होता है कि जब आप अनमैरिड हो, तो आप ये वैक्सीन ले लो। तो अभी हमें जीजू ले जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो हम जा रहे हैं चीनी बंगला, वहाँ पे कहीं लंच करेंगे।
और उसके बाद जाएंगे फन वर्ल्ड, बट मुझे नहीं पता है कितना अच्छा आइडिया है खाना खाने के बाद झूले झूलना, सो लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर अस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुफरी फन वर्ल्ड, तो उसके बाद जाएंगे लंच करने के लिए। तो जस्ट अभी हमने गाड़ी चेंज की, अपनी गाड़ी हमने यहीं पार्क कर दी है, तो यहाँ से हम जाने वाले जीजू के साथ, जीजू की गाड़ी में। अभी हम जा रहे हैं ऊपर फन वर्ल्ड में, कुफरी फन वर्ल्ड। आप गए हो पहले? हाँ, गए थे खाना खाने। इतने ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं आज यहाँ पे जिप लाइन के लिए, आप देख सकते हो कितना क्राउड है। नाउ देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लान, तो अभी हम यहाँ पे झूले भी नहीं झूल रहे क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा है आज सैटरडे को, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं तो। और खाने में भी यहाँ पे कोई टर्न नहीं आ रही है, तो अब हम जाने वाले कोई अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस घर। तो हमारे हो गए ऑलरेडी बहुत प्लान चेंजेस। सबसे पहले हमने जाना था चीनी बंगला, तो सोचा था वहाँ पे खाना खाएंगे, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा लाइन थी, ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, तो हमने आधे रास्ते से गाड़ी मोड़ दी और फिर लगा कि फन वर्ल्ड डायरेक्टली चलते हैं। तो फन वर्ल्ड गए, वहाँ पे भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे। कल आपने जाखू में देखा ही होगा कि कितने ज़्यादा टूरिस्ट थे शिमला में जो आए हैं, तो फन वर्ल्ड फुली बुक था, वहाँ पे झूले लेने का भी मन नहीं हो रहा था और खाना खाने के लिए भी बहुत वेटिंग चल रहा था। तो अभी हम फाइनली आए हैं स्टर्लिंग कुफरी, अब देखते हैं यहाँ पे हमें खाना मिलता है। ये तो पूरा खाली है। खाना खाने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ, तो अच्छे से पेट भर के खा लिया है खाना और इट वाज गुड, अब चलते हैं घर। सो यम्मी सा लंच करने के बाद जीजू और विकास चले गए हैं घर और अब हम भी जाने लगे हैं घर शिमला। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।